राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। हरियाणा में फरीदाबाद के एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन के पास से सुबह 6 बजे यात्रा शुरू हुई। कन्याकुमारी से चलकर राहुल ने पिछले 107 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल की यात्रा में शामिल हो गए। राजनीति में चुनाव के अलावा और कुछ भी होते हैं, विचारधारा होती है। हमें विचारधाराओं का जंग जीतना है। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, विचारधारा आधारित यात्रा है। विचारधाराओं का मुकाबला जो चल रहा है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ गांधी नेहरू पटेल कांग्रेस की विचारधारा, उस विचारधारा के जंग में हमें सफलता मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। ये 1 साल 2 साल में समाप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन राहुल गांधी पर इसका बिल्कुल असर नहीं हो रहा। वो टी शर्ट और जीन्स पहने दिल्ली की सीमा में दाखिल हुए। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। इसके बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा हर बूथ हर ब्लॉक में पहुंचाएगा। और जो हमने सफलता हासिल की है पिछले 108 दिनों में, वो हम ब्लॉक और बूथ के स्तर पर पहुंचाएंगे। हमने सभी पार्टियों को स्वागत किया है, कोई भी आना चाहता है। गडकरी जी आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति आना चाहते हैं, वो भी स्वागत है। रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, वो आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। जो कोई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखता है, जो कोई विश्वास करता है कि झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो, आर्थिक विषमताओं से छुटकारा मिले, सामाजिक ध्रुवीकरण से छुटकारा मिले और तानाशाही से छुटकारा मिले, तो उनका स्वागत है। ये यात्रा 10:30 बजे के करीब आश्रम पहुंची। यहां राहुल गांधी जयराम आश्रम भी गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां इनके साथ प्रियंका गांधी भी थी।